अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह नरसिम्हा नंद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी अनाप शराब बातें बोलता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद में पूरी दुनिया के मुसलमान जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा, उनका खून खोल उठेगा, क्योंकि जिस नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर नरसिम्हा नंद ये गुस्ताखियों भरे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है। आज से पहले मैंने पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी वीडियो आज तक गुस्ताखे रसूल की वायरल हुई है, उनमें किसी में भी इतने बुरे अल्फाजों से नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम के बारे में बोलता हुआ नहीं देखा। जिस तरीके से आज नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में नरसिम्हा नंद बोलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज हमारे भारत देश के अंदर ये हो क्या रहा है, जिसको भी देखो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुछ भी बोलकर चला जाता है और उसके खिलाफ हमारे भारत देश की सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती। बस पूरे भारत देश के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाई इकट्ठे होकर FIR दर्ज कराते हैं और थाने चौकियों में उनकी तहरीर दे देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करती और सरकार भी इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। लेकिन अगर आज यही अल्फाज हमारे किसी उलमा इकराम ने किसी गैर मजहब के लोगों के लिए बोल दिए होते, तो आज उनके ऊपर तुरंत ही एक्शन हो जाता और चंद घंटों के अंदर ही उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे भारत देश के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जगह जगह गुस्ताखियां की जाती है, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले खुले घूमते रहते हैं। आज इसी तरीके से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी गाजियाबाद के इस नरसिम्हा नंद ने की। संवेदना व्यक्त करता हूं, हम अड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम अड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया मैं रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, धारण करना है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि नरसिम्हा नंद किस तरीके से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब बातों को अपनी जुबान से बोलने से पहले वो लोगों से ये भी कहता हुआ साफ साफ वीडियो में देखा जा सकता है कि मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करो। तो दोस्तों, इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी नरसिम्हा नंद के दिल के अंदर कोई भी डर या खौफ नहीं है और वो जानबूझकर सोशल मीडिया पर इन सभी वीडियोस को अपलोड कराने के लिए ऐसा कुछ बोल रहा है। दोस्तों, आज हमारे भारत देश का यह हाल हो चुका है कि पूरे देश के अंदर मुसलमानों के साथ में जुल्म और ज्यादती की हद हो चुकी है और आए दिन जिसका भी दिल करता है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे उलमा इकराम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी भी कौम या किसी भी मजहब को लेकर कोई भी अल्फाज नहीं बोला था, लेकिन इसके बावजूद भी वो 8 या 9 महीने से जेल के अंदर सड़ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, सुनने में आया है कि नरसिम्हा नंद के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अब देखना ही होगा कि गाजियाबाद पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी नरसिम्हा नंद को अरेस्ट करता है और उसको क्या सजा दी जाती है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में आगे जरूर शेयर कर दें, ताकि ये खबर और लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे एक और किसी आने वाली नई वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज।